हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर आप जो है चैप्टर वन का जो है क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, आप चैप्टर टू का भी कराइए। और जैसा कि सिलेबस भी हो चुका है, हम जो है आपको चैप्टर वन ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा भी रखे हैं, तो अब आज इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर जो कर रहे हैं कि जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पढ़ रहे हैं, ताकि उससे आपको करने में हेल्पफुल रहे और जो बच्चे हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं उन्हें भी समझने में आसान हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो चैप्टर है, जो हम लोग पेज पहले हम लोग जो क्वेश्चन आंसर जो है बच्चों, वो हम लोग पेज नंबर 15 से स्टार्ट करने वाले, ठीक है। पहले हम पेज नंबर का जो इंडेक्स का क्वेश्चन है पहले हम आपको वो कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज का जो बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर है उसे हम कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आएगा। और जैसे कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला स्टूडेंट्स को, जिससे हमें मोटिवेशन थोड़ा मिला और इसलिए हम आज चैप्टर टू आपके लिए लेके आए। तो फर्स्ट चैप्टर जो है क्वेश्चन वो है व्हाट इज मिंट बाय प्योर सब्सटेंस। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि आप लोग जो है कि प्योर सब्सटेंस के मतलब आप लोग क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना था कि प्योर सब्सटेंस के बारे में आप लोग क्या समझते हैं, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वैसा ए प्योर सब्सटेंस इज वन डैट कंजिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि वैसा प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें सिंगल टाइप मतलब एक ही तरह का पार्टिकल हुआ, डैट इज ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस हैव सेम केमिकल नेचर। यानी कि सभी जो है सबका केमिकल नेचर क्या होगा, सेम होगा। प्योर सब्सटेंस कैन क्लासीफाई एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। देखो, हम बताया कि वैसा सब्सटेंस जिसमें एक ही तरह का पार्टिकल्स पाया जाएगा, एक ही तरह से मतलब एक ही तरह से एलिमेंट से मिलकर बना होगा या कंपाउंड से मिलकर बना होगा, तो उसे हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। इसका दो तरह का होगा, ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप के देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से करना था। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो जो सेकेंड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, हमें वो बताना है, सेकेंड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स हमें बताना था, लिस्ट द टू पॉइंट्स डिफरेंट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में हमें आपको क्या बताना है, दो डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो पहले हम बता दें कि होमोजीनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होता है, जो पूरी तरह से उसमें क्या होगा, घुला होगा, पूरी तरह से उसमें मिला होता है, ठीक है बच्चों, तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, एक तरह का मिक्सचर होता है जिसमें हम पूरी तरह से उसमें क्या करते हैं, सब्सटेंस को पूरी तरह से उसमें घुला होगा। जैसे कि एग्जांपल साल्ट इन वाटर, यानी कि नमक और पानी का सोलूशन, शुगर इन वाटर, शुगर और पानी का सोलूशन, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट इन वाटर, तो ये सारे एग्जांपल्स थे किसका, ये सारे जो एग्जांपल्स था स्टूडेंट्स, वो जो सारे एग्जाम्पल है वो किसका है, होमोजीनियस मिक्सचर का। अब था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है स्टूडेंट्स, ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर हैविंग ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। यानी कि जिसमें क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि जो सब्सटेंस है वो पूरी तरीके से उसमें नहीं घुला होगा, ठीक है। जो सब्सटेंस है वो पूरी तरीके से उसमें नहीं घुला होगा, तो ये हमारा क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, जो सोडियम क्लोराइड होगा और आयरन फिलिंग, ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से नहीं घुला होगा। वाइल एंड वाटर, तेल क्या होगा, तेल और पानी, आप लोग देखेंगे तेल पानी को, तेल हमेशा ऊपर होगा और जो वाटर होता है वो हमेशा क्या होता है, नीचे रहता है। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या अंतर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको जो ये क्वेश्चंस दो था पेज में आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बढ़ने हैं जो है वो, तो देखो दोबारा से आ गया पेज नंबर 18 में जो है, पेज नंबर जो 18 है यहाँ भी हमें दोबारा से दे रखा है डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विथ एग्जाम्पल। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है किसके बीच में, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो हम पहले बता दें कि क्या होता है होमोजीनियस, आप लोग लिखोगे कि होमोजीनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, जो पूरी तरह से घुला होगा उसमें, उसे होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अभी हम ऑलरेडी प्रीवियस पेज में जो क्वेश्चन था उसमें हम कराए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पूरी तरह से उसमें क्या होता है, घुला होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल हम बात करें, मिक्सचर ऑफ साल्ट इन वाटर, यानी कि नमक और पानी का जो मिक्सचर होगा वो, ठीक है। शुगर इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर, दीज आर द ऑल एग्जांपल्स ऑफ
होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, और भी एग्जांपल्स लिख रखे हैं हमने, बोले आयोडीन इन अल्कोहल एलॉय एंड एयर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। एयर जो है, बहुत सारे क्वेश्चंस का डाउट होता है बच्चों को कि सर एयर क्या है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। तो आपको हम पहले डाउट क्लियर कर दें, जो एयर है वो क्या होगा, एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या स्टूडेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो आई होप कि आपको देखो समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। किसके बारे में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ऑन अदर हैंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है क्या होता है, मिक्सचर होता है हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। क्या होगा, मिक्सचर का नॉन यूनिफॉर्म मतलब वो पूरी तरह से उसमें नहीं घुला होगा। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होगा जो हमें पूरी तरह से क्या होगा, दिखेगा हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, पहले भी एग्जांपल बताए थे, जो आयरन फिलिंग होगा और सोडियम क्लोराइड का जो मिक्सचर होगा ये क्या होगा, ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। साल्ट एंड सल्फर, और नमक हो गया और सल्फर, ये पूरी तरह से नहीं मिलेगा, तो ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। वाइल एंड वाटर, क्या हो गया, वाइल मतलब कि तेल हो गया और वाटर हो गया, तो ये भी एक तरह से क्या है बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। चौक पाउडर इन वाटर, जो चौक पाउडर होता है, चौक का जो पाउडर होगा उसे हम लोग मिलाएंगे, तो ये भी क्या, एक तरह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। व्हीट फ्लोर इन वाटर, जो व्हीट फ्लोर मतलब जो आटा हो गया उसे पानी में मिलाएंगे। मिल्क एंड वाटर आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, ये पूरी तरह से इसमें नहीं घुलता है। तो दीज आर दी ऑल दी एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होता है। देखो आगे हमें बताना था स्टूडेंट्स, आगे हमें बताना था हाउ आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट टू इच अदर। देखो यहाँ पे सॉल का मतलब हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, जिसे हम लोग सस्पेंशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया और कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे से कैसे भिन्न है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम बता दें, सॉल इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इन दिस मिक्सचर द सॉलिड पार्टिकल्स आर सो स्मॉल डैट दे कैन नॉट सीन विद द नेक्स्ट आई, एल्सो दे कैन स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर, ये हमें दिखता है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें टैंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा इस मिक्सचर में, तो हमारा सॉल आ गया। ठीक है, अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो सॉल्यूशंस क्या था, सॉल्यूशन जो होता है एक तरह का क्या है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर है, और ये हमारा बता रहे थे कोलाइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है, और ये हमारा क्या था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर था। सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर है, इस मिक्सचर में क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है पार्टिकल का डिजोल्व पूरी तरह से उसमें घुला होगा और पूरी तरह से यूनिफॉर्मली एंड स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर, और इसमें पूरी तरह से फैला होगा मतलब घुल जाएगा पूरी तरह से। ये जो है इसके अंदर जो हमारा है स्टूडेंट्स, वो द टैंडल इफेक्ट इज नॉट एब्जॉर्ब इन दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर में जो होता है बच्चों टैंडल इफेक्ट हमें नहीं दिखेगा, टैंडल इफेक्ट जो है इस मिक्सचर में नहीं दिखेगा। टैंडल इफेक्ट क्या होता है, आपको हम जब चैप्टर्स कराए वहाँ पे ऑलरेडी डिटेल में अच्छे से समझा रखे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ठीक है, आयोडीन इन अल्कोहल, नमक को हम पूरी तरह से घुला देंगे। सॉल्यूशन देखो एक्चुअली कुछ नहीं, होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, एक चीज़ आपको समझ जाना। तभी हमें होमोजीनियस मिक्सचर में बता रहे थे, क्या बताए थे बच्चों, कि वो पूरी तरह से क्या होगा, वो पूरी तरह से घुल जाएगा उसमें, ऑल डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, अच्छे तरह से घुल जाता है, तो ये था हमारा, तो आप यहाँ से एग्जांपल समझ सकते हैं। अब सस्पेंशन की बात करते हैं, तो सस्पेंशन जो होता है ये भी एक तरह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होता है, एंड द सॉलिड पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेक्स्ट आई, इसका जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है इसे हम अपने आँखों से देख सकते हैं, एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, और उस जो मीडियम में होता है सस्पेंडेड, जैसे कि हम बात करें जैसे चौक पाउडर या सैंड, तो आपको पार्टिकल छोटे छोटे ना बीच में ना इस तरह से लगा हुआ लटक ऐसा दिख जाएगा, आप जब हम उसमें सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमें उसमें दिख जाता है। ठीक है, तो ये दी जाती है एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, फॉर एग्जाम्पल चौक पाउडर एंड वाटर, व्हीट फ्लोर एंड वाटर, दीज आर दी ऑल दी एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमें चीज़ों को करना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था, देखो एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, हमें इसमें वो बताना है कि ठीक है यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बताना है। देखो अभी हम बताए थे एक फॉर्मूला आपको हम बताए थे, ठीक है, जो मास ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बाय परसेंटेज, ठीक है, तो इसमें बताए थे कि क्या होगा। तो पहले तो हमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझो, टू मेक ए सैचुरेटेड सोल्यूशन, हमें क्या बनाना है, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। ओके बच्चों, जिसमें 36 ग्राम ऑफ सोडियम, जिसमें मिला रहे क्या 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिला रहे, और उसे कितने में मिला रहे, 100 ग्राम पानी में मिला रहे। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, 293 केल्विन। ठीक है,
अब इससे हमें बताना था इसका कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट्स क्या होगा। तो मास, सॉल्यूट का मास कितना है 36 ग्राम। सॉल्वेंट अभी हम बताते हैं सॉल्यूट क्या होता है, जो चीज़ हम मिला रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, जो मिला रहे वो सॉल्यूट है, और किस में मिला रहे वो सॉल्वेंट है, और जो ज़्यादा मात्रा ऐसे भी, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है सॉल्वेंट कम मात्रा में सॉल्यूट। तो 36 ग्राम ये भी हमारे गिवन है। अब हम सॉल्यूशन का मास कुल मिला के सॉल्यूशन हमारा कितने का बनेगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सॉल्यूट का मास तो 36 ग्राम, सॉल्वेंट का मास 100 ग्राम, तो टोटल मास कितना हो गया 136 ग्राम आ गया। अब हम इसे मास कंसंट्रेशन निकालेंगे, ठीक है, मास कंसंट्रेशन हम लोग निकालेंगे यहाँ से बाय द, यहाँ लिखेंगे देयर ऑफ देयर फॉर कंसंट्रेशन यानी कि मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों का मास ही दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इंटू में 100। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ, देखो यहाँ पे माफ करना, सॉरी सॉल्यूट नहीं होगा यहाँ पे सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 100। तो सॉल्यूट का मास कितना था 36 ग्राम, और पूरा जो है हमारा सॉल्यूशन का मास कितना है 136 ग्राम इंटू में 100। ये दोनों को करेंगे ओवरऑल आप लोग सॉल्व करना, 26.4% आएगा। तो पूरा हमारा मास कंसंट्रेशन आ गया इस सॉल्यूशन का। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ आ पा रहे होंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग नेक्स्ट देखो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना रहे ताकि आप लोग चीज़ों को आसानी से आराम आराम से समझ सको। ठीक है स्टूडेंट्स, तब हम लोग नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट में फिर हम लोग 24 में दो क्वेश्चन है, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तब इसे हम लोग आराम से करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।